मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक फूड स्टैंडर्ड, यानी कि फूड की जो भी क्वालिटी होती है उसको हम फूड स्टैंडर्ड से शो करते हैं कि उसकी क्वालिटी हाई है कि लो है। अगर हम इंडिया को देखते हो तो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लार्ज अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन, शुगर केन, राइस, वीट एंड पल्सेज का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। बट अगर हम ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत कम, वेरी लिटल एक्सपोर्टर होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम बाहर बहुत कम भेजते हैं व्यापार के रूप में, यानी कि उसका व्यापार हम बहुत कम कर रहे हैं। ये सब किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्किल इक्विपमेंट्स में, जैसे क्या, उनकी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको क्या कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, किस तरह से टेक्निकल स्किल्स यूज करते हैं फूड स्टोरेज में और कौन कौन से इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं, यानी कि अगर ये नॉलेज अच्छे तरीके से नहीं होगी तो क्या हम वहाँ पे एक्सपोर्टर अच्छे तरीके से हम नहीं कर सकते। जो भी फूड हमारे पास है उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और स्टोर नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने की वजह से फिर हम लॉस में चले जाते हैं। इसलिए हमें लॉस ना हो इसलिए हमें वहाँ पे अच्छे तरीके से टेक्निकल स्किल्स का यूज करना चाहिए, अच्छे से इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज हमें फूड स्टैंडर्ड्स यानी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज वहाँ पे हमने लेने चाहिए। इसलिए वी नीड हैव प्रॉपर नॉलेज टू वेरियस फूड स्टैंडर्ड्स बींग फॉलोड नेशनल एंड इंटरनेशनली। इसलिए हमें क्या फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले लेनी चाहिए ताकि हम अपने फूड का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार कर सकें। उसके बाद है कुछ फूड स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा फूड स्टैंडर्ड्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पे सबको अवेलेबल करवा सके, उसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो। अडल्ट्रेंट्स जो फूड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं, वो हमारी बॉडी को अनहेल्दी बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम जो अडल्ट्रेटेड फूड है उसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो हम वहाँ पे बीमार हो जाते हैं। इसलिए क्या फूड स्टैंडर्ड्स का यूज क्यों गया है, ये जो इंडिया है या फिर जो बाहर की दूसरी कंट्रीज हैं हर जगह पे फूड स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड कर सके, किसको, पब्लिक को, ठीक है। टू प्रिवेंट अडल्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फूड स्टफ द गवर्नमेंट हैज सेट अप सर्टेन इंस्टीट्यूशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या कहता है कि फूड अडल्ट्रेशन से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने जो भी खाद्य पदार्थ है यानी कि फूड स्टफ जो हमारे खाने में यूज होते हैं उन्होंने कई सारे वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स और स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पे लागू की थी ताकि फूड के अंदर अडल्ट्रेशन ना हो और अच्छी क्वालिटी का फूड पब्लिक को दिया जा सके। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स थे यानी कि जो कुछ कंपनियाँ थी जो फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखती है, फूड की क्वालिटी को जांचती है, उसका निरीक्षण करती है, तो वो कुछ क्वालिटियाँ कौन कौन सी हैं, कोडेक्स एलिमेंट्रेज, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, एगमार्क और ब्यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कुछ कंपनियाँ जो कि फूड की पहले ही क्वालिटी को चेक करती है और क्वालिटी चेक करने के बाद ही उसको पब्लिक के पास भेजते हैं ताकि पब्लिक उसको ले सके। उसके बाद है दीज इंस्टीट्यूट्स, इन इंस्टीट्यूट्स का यानी इंपैक्ट करना था, यानी कि निरीक्षण करना था जो भी फूड प्रोसेसिंग वहाँ पे यूज हो रही है फैक्ट्रीज के अंदर और जो भी वहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जो ये इंस्टीट्यूट्स थे इनका काम क्या था, जो भी वहाँ पे फूड तैयार करने में प्रोसेस की जाती है, जो फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस जिस प्रोसेस से वहाँ पे फूड तैयार किया जाता है और जिस तरीके से वहाँ पे फूड बनाया जाता है उन सबको अच्छे से देखना होता था, निरीक्षण करना होता था, उनको जांच परख उनके करनी होती थी। अगर फूड की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी है तभी उसको बाहर मार्केट के अंदर भेजा जाता है। इफ़ द फूड सेफ्टी ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन सर्टिफिकेट्स, अगर क्या फूड सेफ्टी अगर अच्छे तरीके से है, हर तरीके से वहाँ पे फूड की सेफ्टी है, वो बिल्कुल लेबल है, वहाँ पे पब्लिक उसका यूज कर सकती है, तभी क्या है जो भी वहाँ पे फैक्ट्रीज होती है फूड प्रोडक्शन करने वाले उनको सर्टिफिकेट मिलता था, इन कंपनियों द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप अपने फूड का व्यापार कर सकते हो और उसको बाहर पब्लिक के अंदर उसको भेज सकते हो और अपने मार्केट में अपने फूड को वहाँ पे बेच सकते हो, यानी कि अपना व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये कंपनी थी ये अपने कुछ सर्टिफिकेट्स देती थी, जैसे क्या उन पे जो भी फूड होता था उसके ऊपर FPO मार्क, आपने ये सब मार्क्स देखे होंगे, जो भी आप फूड लेके आते हो अगर अच्छी क्वालिटी का तो उसके ऊपर कोई ना कोई मार्क जरूर मिलेगा, जैसे FPO है,
एक मार्क है, ISI मार्क है, ये सब मार्क्स उनके ऊपर मिलते हैं। ये सब जो मार्क्स होते हैं ये क्या डिनोट करते हैं कि जो हमारे पास फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि वो पहले जांच परख करके ही आपके पास भेजा गया है। ये जो मार्क्स है ये उनके ऊपर मिलेंगे। आर अवार्डेड दिज मार्क्स कैन बी यूज ऑन प्रोडक्ट्स विच डिनोट द फूड इज रिलायबल, यानी कि जो फूड खाने योग्य होता है उनके ऊपर ये वाले मार्क्स मिलते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी अच्छी है। एनी फूड प्रोडक्ट दैट डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी आर लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट अंडर लॉ। अगर जब भी क्या फैक्ट्री जो फूड को बना रही है और उसके ऊपर ये मार्क नहीं मिलता और वो क्या बाहर पब्लिक में उसको बेच देता है, यानी कि व्यापार फिर भी करता है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। और अगर फूड की क्वालिटी वहाँ पे लो मिलती है और फिर भी क्या वो मार्केट के अंदर है, जिस भी कंपनी ने इस फूड को बनाया और उसके ऊपर मार्क नहीं करवाया है, तो क्या उसको पनिशमेंट दी जाती थी। किस लिए? क्योंकि वो क्या है उसकी फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से उसको मार्केट के अंदर उतार रहा है, तो उसके ऊपर क्या अच्छे वहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी, उसके ऊपर लॉ लागू किया गया था और लॉ के अकॉर्डिंग उनको अच्छे तरीके से वहाँ पे फिर पनिशमेंट मिलती थी अगर कोई भी ऐसे करते हुए मिल गया। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे क्या जो भी पब्लिक उसको खाएगी, जो भी फूड उन्होंने बनाया है, तो वो क्या अनहेल्दी हो जाती है और इस तरह से हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ये जो मार्क्स हैं, यानी कि जो कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए हमें हमेशा इन मार्क्स को देख के ही हमारा फूड खरीदना चाहिए ताकि हम उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो सकें।